أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إسلام پاکیزہ مذہب ہے, پاکی چاہتا بھی ہے اور پاک دامنی کا طلبگار بھی ہے. اس لیے پاکی کے احکام بھی جاری کیے ہیں اور پاک دامنی کے لیے بھی قوانین بنائے تاکہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی یہ برائیوں سے پاک رہے, اور اس کے لیے نکاح کا مبارک راستہ بتلایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والی نسلیں بھی پاکیزہ ہوں, برائیوں کا جو عورت اور مردوں کے بیچ میں یا دو ہم جنسوں کے درمیان ناجائز رابطہ ہوگا تو اس کے لیے بھی قوانین بنائیں. ان آیات میں ایسے اور مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ, فحش کلم کھلا برائی کو کہتے ہیں, بڑی برائی کو کہتے ہیں, یعنی مرد اور عورت میں ناجائز تعلق زنا. پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے, حالانکہ عورت بڑی باحیا ہے, ایسے کاموں سے پرہیز کرتی ہے, اور مسلمان خاتون تو بڑی پاک دامن ہے, لیکن اگر بالفرض و تقدیر سوئے اتفاق ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں. یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے گا وہ حاکم اور منصف 4 گواہ طلب کریں گے, اور یہ 4 گواہ ایسے ہونے چاہیے جو شہادت کے اہل ہوں, آزاد ہوں, مرد ہوں, مسلمان ہوں. اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں. زنا کے گواہوں میں شریعت نے 2 طرح کی سختی کی ہے,
अगर ये कवानीन आज दुनिया में जारी हो जाएं तो ये मौजूदा जमाने में जो रैप के रोजाना वाकयात वाके हो रहे हैं, बेपर्दगी, बेहयाई, तायुश और फहाशी के नतीजे में, उससे मुल्क और मिल्लत की हिफाजत हो सकती है। ऐसा सबक हासिल हो सकता है कि बरसों के लिए यह बदकारी रुक जाएगी, लेकिन अक्सर गुनाहगार को ढील मिल जाती है और वो गुनाह करता रहता है, जिससे सोसाइटी का दामन भी दागदार होता है, जनोशवी के ताल्लुकात भी खराब होते हैं और पाक दामन मुसलमान खातून की इज्जत पर भी हर्फ आता है। अव्वल तो ये शर्त लगाई कि मर्द ही गवाह हो, दूसरी शर्त ये लगाई कि चार का होना जरूरी है। इसलिए ये सख्ती इख्तियार की गई कि औरत का शौहर या उसकी वालिदा या बहन जाती तौर पर अपने गमो गुस्से की वजह से खातून पर इल्जाम लगाकर उसे गुनाहगार न बना दें और सजा का मुस्तहिक न बना दें, या दूसरे बदखाह लोग दुश्मनी की वजह से इल्जाम और खामखा की तोहमत लगाने से बचें। ऐसी सूरत में मुद्दई और गवाह सब झूठे करार दिए जाते हैं और झूठे गवाहों पर हद कजफ लगती है, जो 80 कोड़े होते हैं, जिसका तस्करा दूसरी जगह कुरान करीम में है। सूरह नूर में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, लौला जाऊ अलैहि बि अरबाति शुहदा फैज़लम यातु बिशुहदाई फौलाइका इंदल्लाही हुमुल काज़िबून। इसका खुलासा यह है कि जो लोग चार मर्द गवाह न ला सकें वो झूठे हैं और झूठों को सजा दी जाएगी। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में फरमाते हैं कि बाज बुजुर्गों ने चार गवाहों की जरूरत की हिकमत बयान करते हुए फरमाया कि मामला चूंकि दो अफराद में है, मर्द और औरत, तो गोया के ये एक ही मामला है, तकदीरन दो मामलों के हुक्म में है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरत है, और हर मामले के लिए दो गवाह जरूरी है, लिहाजा यहां चार गवाह जरूरी होंगे। आयत के आखिर में फरमाया, अगर वो दोनों तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे तारुज मत करो। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि सजा देने के बाद अगर उन्होंने तौबा कर ली तो फिर उन्हें मलामत मत करो, बार बार कोसो मत, आर मत दिलाओ, जिद पर आ जाएंगे, कहीं और बदकारी ना कर बैठें। और मजीद सजा मत दो, ये मतलब नहीं कि तौबा से सजा माफ हो गई, इसलिए कि ये तौबा सजा के बाद मजकूर है,
जैसे कि फा की तफरी से जाहिर होता है। हां अगर तौबा न की हो तो सजा के बाद भी लानत मलामत कर सकते हैं। कुरान करीम की इन दो आयतों में जिना के लिए कोई मुतय्यन हद बयान नहीं की गई, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया है कि उनको तकलीफ पहुंचाओ। और बदकारी करने वाली औरत को घर में मुकैद और बंद कर दो। तकलीफ पहुंचाने का कोई खास तरीका नहीं बतलाया। यह हाकिमों की सवाबदीद पर छोड़ा गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईजा देने का मतलब यह है कि उनको शर्मिंदा किया जाए, आग दिलाई जाए कि तूने ये क्या काम किया। और हाथ से और जूते से भी उनकी मारपीट की जाए। लेकिन असल बात यह है कि हुक्काम की राय पर इस मामले को छोड़ दिया गया। नुजूल के एतबार से कुरान करीम की इन दो आयतों की तरतीब यह है, शुरू में उनको ईजा देने का हुक्म नाजिल हुआ, उसके बाद खास तौर से औरतों के लिए घरों में महबूस और रोक कर रखने का हुक्म दिया, यहां तक कि वो मर जाएं या इसकी जिंदगी ही में आने वाला जो हुक्म है जो सूरह नूर के अंदर आया, तो बतौर हद के फिर उसको नाफिज किया जाएगा, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। चुनांचे बाद में अल्लाह ताला ने वो सबील बयान कर दी जिसका अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आयत में वादा फरमाया था। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सबील की तफसीर यह है कि शादीशुदा मर्द औरत को रजम किया जाएगा, यानी संग गुसार किया जाएगा, पत्थर मार कर मारा जाएगा, और गैर शादीशुदा सौ कोड़े मारे जाएंगे। मरफू अहादीस में भी औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला, सबील का बयान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत के साथ साबित है। शादीशुदा बदकारी करने वाले और गैर शादीशुदा दोनों का अलग अलग हुक्म बयान किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माइज इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो पर और कबीले अज़द की एक औरत पर जिना की हद जारी फरमाई थी, क्योंकि ये दोनों शादीशुदा थे। नेज एक यहूदी को भी जिना की वजह से रजम किया गया था, जिसका हदीसों में तस्करा है। गैर शादीशुदा के बारे में सूरह नूर की मजकूर आयत देखिए, الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द गैर शादीशुदा हो तो इनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा और उन पर किताब नाजिल कर दी और जो कुछ वही अल्लाह ने नाजिल फरमाई उसमें रज्म की आयत भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म किया और हमने भी उनके बाद रज्म किया यानी संग गुसार किया। रज्म का हुक्म उस शख्स के लिए है जो जिना करे और शादीशुदा हो, खा मर्द हो या औरत। खुलासा ये कि इन आयात में घरों में रोक कर रखने का और ईजा का हुक्म है वो शरई हदें नाजिल होने के बाद मनसूख हो गया। अब हद जिना या तो 100 कोड़े होगी या रज्म पर अमल करना इस्लामी हुक्काम के लिए लाजिम होगा। काजी सनाउल्ला साहब पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मजहरी में फरमाया कि मेरे नजदीक वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फआज़ूहुमा का मिज़दाक वो लोग हैं जो गैर फितरी तरीके पर क़ज़ाए शहवत करते हैं, यानी हम जिन्स आपस में मर्द मर्द औरत औरत ताल्लुक रखे। काजी साहब के अलावा दीगर हजरात ने भी इसी कौल को लिया है। अल्फाज कुरान में चूंकि लफ्ज अल्लज़ानि यातियानिहा मौसूल और सिला दोनों मुजक्कर के अल्फाज हैं इसलिए हजरात का यह कौल बईद नहीं। और अगर कुछ हजरात ने जानी और जानिया मुराद लिए हैं तो उन्होंने बतौर तकलीब के मुजक्कर का सीगा जानिया के लिए भी शामिल रखा है। उसके बावजूद इस्तिल्जाज बिल मिस्ल की हुरमत और शिद्दत और उसकी सजा और ताजीर का जिक्र इस जगह बेजा नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मखलूक में से 7 किस्म के लोगों पर 7 आसमानों के ऊपर से लानत है और उन 7 में से 1 पर 3-3 दफा लानत भेजी और बाकी रहा बाकी पर 1 दफा। इनमें वो शख्स भी है जो कौम लूत वाला अमल करता है, मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है। हाफिज ज़कीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तरगीब और तरहीब में लिखा है चार खुलफा हजरत अबू बकर, हजरत अली,
अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अपने जमाने में गैर फित्री हरकत करने वालों को आग में जलाया है। इस सिलसिले में उन्होंने मोहम्मद इब्ने मुनकदिर की रिवायत से एक वाकया भी लिखा है कि खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को खत लिखा कि यहां अरब के इलाके में एक मर्द है जिसके साथ औरत वाला काम किया जाता है। हजरत अबू बकर ने सहाबे किराम को जमा किया जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए। हजरत अली ने फरमाया, ये एक ऐसा गुनाह है जिसका इर्तिकाब सिवाय एक कौम के किसी ने नहीं किया, और अल्लाह जल्ला शानहु ने इस कौम के साथ जो मामला किया वो आप सबको मालूम है। मेरी राय यह है कि उसको आग में जला दिया जाए। दूसरे सहाबे किराम ने भी इस पर इत्तेफाक किया और हजरत अबू बकर ने उसे आग में जलाने का हुक्म दिया। मस्कूरा रिवायात में कौम लूत के अमल का हवाला बार बार आया है। कई और भी रिवायतें हैं इस सिलसिले में जो मैंने जिक्र नहीं किए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबऊस किए गए थे वो कौम कुफ्र और शिर्क के अलावा इस बदतरीन और गैर फितरी हरकत की मुर्तकिब थी और आदी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग और दावत का उन पर असर न हुआ तो अल्लाह जल्ला शानहु के हुक्म से फरिश्तों ने इस कौम की बस्तियों को जमीन से उठा लिया, ऊंधा करके जमीन पर फेंक दिया, पत्थर बरसाए, जिसका तस्किरा सूरह आराफ में आएगा इंशाल्लाह। ऊपर की जो रिवायतें जिनमें से एक का मैंने तस्किरा किया ये इस्तिल्जाज बिल जिन्स से ताल्लुक रखती। रिवायात में औरतों के साथ गैर फित्री फेल करने की भी शदीद तरीन वईदें आई। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहु उस मर्द की तरफ रहमत की नजर नहीं करते जो मर्द या औरत के साथ गैर फितरी फेल करे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन। खुज़ैमा इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहु हक बात के बयान करने में शर्म नहीं फरमाते। ये अल्फाज आपने 3 दफा इरशाद फरमाए, फिर फरमाए औरतों के पास गैर फितरी तरीके से मत आया करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स मलऊन है जो गैर फितरी तरीके से बीवी से ताल्लुक रखता है। और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ही से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द हालत हैज में बीवी से ताल्लुक रखता है या गैर फितरी तरीके से उसके साथ ताल्लुक रखता है या किसी ज्योतिषी और काहिन के पास जाता है और गैब से मुताल्लिक उसकी खबर की तस्दीक करता है, तो ऐसे लोग उस दीन के मुनकिर हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इस
कभी फेल के लिए किसी मुअय्यन हद के मुकर्रर करने में तो फुकहा का इख्तिलाफ है, ताहम इसके लिए शदीद सजाएं मनकूल हैं। मसलन आग में जला देना, दीवार उसके ऊपर गिराकर कुचल देना, ऊंची जगह से फेंक देना, तलवार से कत्ल कर देना वगैरह वगैरह। आजकल दुनिया इतनी मलऊन हो गई है, ये आजाब अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, हालात आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो कौमें फाहिश और बदकार मिजाज रखती हैं, उन्होंने अपने यहां कवानीन के अंदर हमजिंसियत को कानूनी करार दिया है, अमल लूट करने वाले को दायमी करार दिया, उसको भी जो है कानून का दर्जा दे दिया कि खुशी से अगर दो मर्द आपस में मियां बीवी की तरह रहना चाहते हैं और ताल्लुक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जाहिरी बात है कि ये खिलाफ फितरत चीज है और खिलाफ अकल भी है और खिलाफ नकल भी है, लेकिन इंसानों की अकल पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि ऐसा अंधा कानून बनाकर अपने आप को अल्लाह की मलऊन करार दिलवा लिया। और मुल्कों में ये कानून बने, अंग्रेजों ने ये कानून बनाए, यहूद ने ये कानून बनाया, ये एक तरह का जुल्म है इंसानियत पर। और ये अजाब को कुल्लम कुल्ला दावत है, इसलिए दुनिया आज हालात से दो चार है, कोई मुल्क सुकून से नहीं है, क्योंकि अल्लाह की बयान करदा हुदूद और कवानीन के खिलाफ काम कर रहे हैं और अल्लाह के अहकाम को सरे दस्त तोड़ा जा रहा है और उसकी कुल्लम कुल्ला तौहीन की जा रही है और उसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा है, जो कानून खुदाबंदी है उसके खिलाफ बनाया जा रहा है। और इतना संगीन जुर्म है, इसको इतना लाइट ले लिया गया कि गुना ही नहीं माना गया। गुना को गुना न मानना यह खुद बहुत बड़ा गुना है। हराम चीज को अपने ऊपर हलाल कर देना यह बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके मुर्तकिब दुनिया के लोग हो रहे हैं और दुनिया में ऐसे कई जोड़े रह रहे हैं जो इस्तेलजाज बिल मिसल कर रहे हैं और उनकी कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं होती। पहले तो नामर्दों की कोई हैसियत नहीं थी, अब तो उनको भी कानूनी हैसियत दे दी गई है, उनको मिंबर बनाया जा सकता है, वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि ये भी शदीद बात है, लेकिन आज दुनिया को क्या हुआ है अल्लाह ही जाने। अल्लाह के फितरी कानून के खिलाफ कानून बनाते हैं और फिर अल्लाह से मदद की उम्मीद रखते हैं। आए दिन आने वाले हालात के अंदर इसको भी बहुत बड़ा दखल है। कौम लूत की वो बस्ती जो उलट दी गई और वहां बाहरे मैयत है, डेड सी कहते हैं अंग्रेजी में, ये डेड सी को देखने के लिए लोग जाते हैं और उसको जो चीज काबिले इबरत थी और रोने का मकाम था, उसको काबिले तफरी और देखने का और आसाइश की जगह बना दी और उस पर करोड़ों रुपया खर्च करके लोग ये अजाब की जगह को देखने जाते हैं। उनसे हकीकत को छुपा दिया गया है कि असल में हकीकत क्या है, इस कौम का अंजाम कितना बुरा हुआ था। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और कुरान करीम की पाकीज़ा तालीमात के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक सईद अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون
आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़ार اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نبّ قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم ارفع عنا الوباء والزنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فیصلے فرما قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کریم کی فہم نصیب فرما اس کو سمجھنا پڑھنا تلاوت کرنا اس کی توفیق عطا فرما اور اے الہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں نواز دے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دنیا سے یہ وبا اور بلا کو دور فرما نارمل حالات دوبارہ فرما اللہ مدارس مساجد کو جاری فرما اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی ہمت عطا فرما سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرما تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کی شرارتوں سے اللہ محفوظ فرما عدا کی عداوت سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں پورا دیندار بنا 100% نمازی اور ایماندار بنا اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اے اللہ ہمارے مشائخ کے فیوز اور برکات کو پورے عالم میں جاری فرما مسلمانوں کے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما اے اللہ ہمارے سماج اور سوسائٹیوں کے بگاڑ دور فرما دے اے اللہ اسے انتہائی طور پر پاکیزہ اور باامن بنا دے اور اے اللہ کام دینی پر ہمیں پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی سعادت اور احکام پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے اس کا یقین ہمیں عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کو زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین آج مراقبہ موقوف رکھا ہے